नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसे आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर नाइन पर और इसकी स्ट्रीमिंग आप एन सी ई आर टी यूट्यूब ऑफिशियल पर भी बाद में देख सकते हैं तो हर बार की तरह हम आज फिर लेकर आए हैं एक स्पेशल सेशन अपनी क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए जो कि आप चैनल नंबर नाइन पर देख ही रहे हैं और विषय है हमारा मैथमेटिक्स क्लास नाइन्थ और जो टॉपिक है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल पार्ट वन और इसे आपको विस्तार से बताने और समझाने के लिए जो विषय विशे विशेषज्ञ जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हमारे साथ हैं आइए आपका भी उनसे परिचय करवा देते हैं हमारे साथ हैं सविता मैम मिस सविता ग्राग जो कि गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ी हैं मैम गुड आफ्टरनून एंड वेरी वॉम वेलकम टू यू इन दिस सेशन तो मैम से हम विषय से जुड़ा हुआ जितनी भी डिटेलिंग है मैम वो बताएंगी समझाएंगी लेकिन चूंकि क्लास नाइन्थ में आप हैं आगे बोर्ड की तैयारी है तो आपका जो टैब है या पेन और पेपर है वो आपके हाथ में होगा ही क्योंकि मैथ्स का जो है कैलकुलेशन है वो इसके बिना आराम से संभव और समझना भी संभव नहीं है तो आप के पास वो सब कुछ है इसी के साथ एक ख़ास बात आपके पास हम सबके नंबर होंगे अगर नहीं हैं तो लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उनको नोट डाउन करिए सेव करिए और सेशन के दौरान अगर कोई भी क्वेरी आपकी है तो वो आप हमसे साझा कर सकते हैं इसके अलावा हमारा ईमेल का पता भी लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है आप चाहें तो उसके माध्यम से भी कार्यक्रम से जुड़ा हुआ या हमारे किसी भी और कार्यक्रम से जुड़ा हुआ कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं तो आपको और मैम को ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं करते हैं सेशन की शुरुआत मैम ओवर टू यू जी बिल्कुल सो so, uh, हमारा आज का जो टॉपिक है दिस इज द टॉपिक एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स सर्कल्स इज अ टॉपिक जो हमारे डियर व्यूअर्स आप सभी ने बहुत छोटी क्लासेस से इवन इफ आई विल से कि फ्रॉम योर वेरी फर्स्ट क्लास आपने सर्कल्स टॉपिक को पढ़ा है आपने सर्कल जैसी शेप ड्रॉ की है उसकी कलरिंग की है एंड आफ्टर दैट इन यूर क्लास फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एथ एंड नाइन्थ टिल डेट यू आर स्टडिंग अबाउट द सर्कल्स इन वेरियस फॉर्म्स एंड दिस इज योअर क्लास टेन एंड हेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स

ओके okay, अगर आप देखते हैं जो आपकी शर्ट्स पर बटन लगे होते हैं तो उन बटन्स की भी जो शेप है दैट इज अगेन सर्कुलर इन शेप कोई भी सीडी कोई भी डीवीडी वो भी सर्कुलर शेप में है और जो हम चपाती डेली खाते हैं द चपाती इज इन द शेप ऑफ अ सर्कल जिसकी भी चपाती टेढ़ी मेढी बनती है आपको सर्कुलर शेप में दिखाई नहीं देती तो उस समय आप डेफिनेटली बोलते हैं कि ये जो चपाती की शेप है दिस इज नॉट प्रॉपर यानी हमने अपने माइंड में वो चपाती के लिए भी एक प्रॉपर इमेज बनाई हुई है एंड दैट इमेज इज अ सर्कुलर इमेज ठीक इसी तरह से हमारी किचन के बहुत से वेसल्स हैं जो सर्कुलर शेप में दिखाई देते हैं हाँ अगर आप सोचें कि कोई भी ग्लास सर्कुलर है तो वो गलत है द ग्लास इज अ थ्री डी शेप दैट इज़ सिलेंड्रिकल इन शेप बट हमारी जो सर्कुलर प्लेट्स हैं का जैसा कि एग्जाम्पल आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं तो बहुत से ट्रैफिक सिग्नल्स ऐसे होते हैं जो सर्कुलर शेप में दिखाए जाते हैं इसके अलावा भी सर्कल जो है इन योर डेली लाइफ यू कैन सी देर आर मेनी सर्कल्सर आपका जो बल्ब होल्डर है दैट इज सर्कुलर इन शेप बैंगल्स मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया ठीक इसी तरह से बहुत से कंसेंट्रिक सर्कल्स भी हमारे पास रियल लाइफ में शेप्स होती हैं बहुत से डिज़ाइंस ऐसा हमें अगर वॉल पर कोई भी डिज़ाइनिंग आपने देखा होगा कोई भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए भी सर्कुलर शेप्स का छोटा सर्कल बड़ा सर्कल अलग अलग रेडियस के रेडियाई के जो सर्कल हैं वो हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में तो लेटेस्ट डिस्कस अबाउट कि अगर आपको सर्कल को डिफाइन करना है ये तो बात हो गई कि वी नो दैट सर्कुलर शेप कैसी होती है और ये रियल लाइफ में सर्कुलर शेप का एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एरिया ऑफ अ सर्कल सर्कम फ्रेंड्स ऑफ अ सर्कल इन सभी चीजों का बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है और अब बात करते हैं डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल इफ यू टॉक अबाउट दिस देन अर्कल इज द पाथ विच इज ट्रेस्ड बाय अंट आप यहाँ पर शेप देख सकते हैं सर्कल इज अ पाथ विच इज ट्रेस्ड बाय अंट इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्सड डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट तो अगर हम इमेज में देखते हैं दिस इज द गिवन पॉइंट नॉन एज सेंटर ऑफ द सर्कल और इस सेंटर से अगर एक फिक्स डिस्टेंस पर आप जितने भी पॉइंट्स ले लेंगे ये क्लियर होना चाहिए हमें कि सभी पॉइंट्स फिक्स डिस्टेंस पर लेने हैं लाइक दिस पॉइंट इज़ पॉइंट ए दिस इज़ पॉइंट बी दिस इज पॉइंट सी देन देश अगर आप यहां पर लेते जा रहे हैं और इन सभी शेप एक हमारे सामने बनकर आ रही है that is तरीका है पहले हमने बात किया कि दैट सर्कल इज द पाथ विच इज ट्रेस्ड बाई अट अ फिक्सड डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट एक और डेफिनेशन सर्कल को आप और कैसे डिफाइन कर सकते हैं अ सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ द पॉइंट विच आर एट अ फिक्सड डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट पहले हमने बोला है वो पार्थ जो ट्रेस किया जा रहा है इन पॉइंट से और डेफिनेशन में वी जस्ट हैव अबाउट दैट इट इज इज द सर्कल द कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इन द प्लेन हम बात कर रहे हैं इन द प्लेन तो डेफिनेटली सर्कल जो है दैट इज अ टू शेप हमारे व्यूअर्स बहुत अच्छे से जानते हैं वट इज द डिफरेंस बिटवीन टू डी एंड थ्री डी शेप तो अगर थ्री डायमेंशन होंगी किसी भी शेप की थ्री डी शेप आपको दिखाई देती है वो आपकी होगी सर्कल और यहां पर सबसे पहले जो हम पार्ट डिस्कस कर रहे हैं वर्ट दिस इज दिस इज द कोड ऑफ अ सर्कल इफ यू टॉक अबाउट द कोड ऑफ सर्कल देन

भी दो पॉइंट्स को करने वाली लाइन सेगमेंट, okay? अगर हम यहां पर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं लेटस्ट सी एन एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग अदर पॉइंट हियर एंड आई एम ज्वाइनिंग बोथ ऑफ दीज देन दिस इज नथिंग दिस इज नॉट अ कोड ऑफ द सर्कल कोड होने के लिए जरूरी है कि दोनों ही जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ होने चाहिए दोज मस्ट भी एट द बाउंड्री ऑफ द सर्कल ना लेट इस अबाउट आर नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज डायमीटर कोड की ही हेल्प से आप डायमीटर के बारे में जान पाएंगे uh, अगर मैं ये बोलती हूँ दैट डायमीटर इज द कोड मतलब ये क्लियर होना चाहिए हमारे व्यूअर्स को दैट डायमीटर इज ऑल्सो अ कोड बट कंडीशन क्या है दैट दिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल यानी बाउंड्री के किन्नी भी दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से भी पास हो रही है तो उसे कोर्ट तो बोलेंगे क्योंकि वो बाउंड्री के दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है बट ड्यू टू इट्स पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इट विल बी नॉन एज द डायमीटर ऑफ द सर्कल डायमीटर के बारे में कुछ एक फैक्ट्स हैं जो हम अभी पढ़ते हैं और इनमें से सबसे पहला जो फैक्ट है वट इज दैट द डायाटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल डियर व्यूअर्स अगर आप डायमीटर को छोड़कर कोई भी और कोड ड्रा करते हैं दिस वन और दिस इज अनदर कोड कोड ये सब हैंट बी नेम देू कोड एम एन लेकिन ये सेंटर से पास नहीं कर रही डायमीटर नहीं है और डायमीटर ही सबसे लंबी कोड होती है डायमीटर के ऊपर नीचे दाएँ बाएँ आप कितनी भी कोड्स ड्रॉ करेंगे दोज विल बी स्मॉलर देन द डायमीटर एंड द नेक्स्ट थिंग इज ऑल द डायामी ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ जितने भी आप डायामीटर्स ड्रॉ कर लेते हैं पासिंग थ्रू द सेंटर की बात हमने अभी की है वो सभी कोड्स जो सेंटर से पास करेंगी उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होगी फॉर एग्जाम्पल इन दिस इमेज ए बी एंड सी डी बोथ ऑफ दीज आर डायमीटर्स और इन दोनों की ही लेंथ इक्वल होगी मैं कितने भी डायमीटर्स ड्रॉ कर सकती हूँ कितने भी ऐसे कोर्स ड्रॉ कर सकते हैं जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करेंगे और वो सभी की लेंथ इक्वल होगी द नेक्स्ट थिंग इज डायमीटर इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द रेडियस अब रेडियस क्या होता है रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल यानी कि सेंटर से बाउंड्री तक का जितना भी डिस्टेंस है दिस इज नॉन एज द रेडियस तो आप देख सकते हैं पॉइंट अगर हम पॉइंट ओ को बोलते हैं दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन ओ बी इज इक्वल टू ओ ए ठीक इसी तरह से आप ओ पॉइंट से जितने भी uh, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे टू द बाउंड्री ऑफ द सर्कल दोज विल बी एज द रेडियस एंड योर डायमीटर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ द रेडियस लेट अस डिस्कस अबाउट द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिन सभी सर्कल्स का सेंटर एक ही हो रेडिया डिफर कर सकती हैं नाउ व्हाट इज रेडियाये मैं आपको बार बार एक वर्ड बोल रही हूँ सो रेडियस का जो प्लूरल होता है दैट इज नॉन एज रेडिया रेडियस नहीं बोलते आप आप बोलते हैं रेडियाई राइट like, uh, जैसे कि माउस का प्लूरल होता है माइस ठीक इसी तरह से रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई सो इफ आई एम सेइंग दिस इज द सर्कल सी वन दिस इज दर्कल सी टू दिस इज दर्कल सी थ्री तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट द रेडियस फॉर ऑल ऑफ दी सर्कल्स आर डिफरेंट सेंटर से सर्कल का जो बाउंड्री है सर्कम है वहां तक के डिस्टेंसेज अलग अलग हैं यानी कि ये सभी रेडियाय अलग अलग हैं बट इन सभी के लिए जो सेंटर पॉइंट है दैट इज अ सेमी सर्कल सर्कल जो डायमीटर है आपका वो आपके सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं दैट बी सी इज द डायमीटर और इस डायमीटर के कारण सर्कल हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बोथ ऑफ दिस पार्ट्स आर नॉन एज दी सेमी सर्कल हाफ ऑफ द सर्कल इज नॉन एज दी सेमी सर्कल नाउ सर्कम इज डेफिनेटली द बाउंड्री ऑफ द सर्कल जैसा कि आप स्क्वायर के लिए रेक्टेंगल uh, के लिए ट्रायंगल के लिए पेरीमीटर वर्ड यूज करते हैं uh, कोई भी ऐसे सभी के सभी पॉलीगन्स के लिए हम पेरीमीटर बोलते हैं द बाउंड्री

एजेज ऑफ दैट पर्टिकुलर शेप इसी तरह से स्क्वायर के लिए इट इज फोर इंटू साइड तो सर्कल में जो है इट इज कम्प्लीट राउंड शेप कर्व शेप है इसके लिए आपके पास सरकम फ्रेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो भी हम डिस्कस करते हैं लेकिन उससे पहले लेटस डिस्कस अबाउट द सेगमेंट एंड सेक्टर ऑफ अ सर्कल वाट इज दगमेंट ऑफ अ सर्कल ड डिजन बिट्वीन अ कोड एंड एन आर सो so, हम यहां देख सकते हैं ए बी दिस इज द कोड ऑफ द सर्कल एंड ए सी बी दिस इज द आर्क ऑफ द सर्कल सो ए बी कोड एंड ए सी बी जो आपकी आर्क है इन दोनों के बीच का जो एरिया है दिस पर्टिकुलर एरिया इज नॉन एज द माइनर सेगमेंट इसी तरह से दूसरी तरफ भी अगर आप ऑब्जर्व करते हैं अपर साइड ये कंप्लीट भी एक ऐसा ही रीजन है विच इज अगेन बाउंडेड बिटवीन एन आर्क लेकिन यहां पर जो आर्क है दैट इज अ मेजर आर्क ऑल राइट एंड दिस इज दोर्ड ए बी तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है दैट इज नॉन एज सेगमेंट ऑफ द सर्कल मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट

इस कंप्लीट आर्क के बीच में या आप ए बी आर्क भी बोल सकते हैं कि बीच में जो ग्रीन कलर का शेडेड एरिया है विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा एट द सेंटर, सो द सेक्टर जस्ट कंफर्म इट दैट इफ एंगल एट सेंटर इज लेस देन 180 डिग्री देन दैट विल बी नॉन एज माइनर सेक्टर एंड द रिमेनिंग पार्ट दैट इज शोइंग मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल ऑलराइट नाउ लेट अस डिस्कस कि सरकमफेरेंस निकालने के लिए फार्मूला जो आप ऑलरेडी यूज करते हैं दैट द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इट इज 2 पाई r सो so वो डेवलप कैसे होता है द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल बीअर्स अ कांस्टेंट रेशियो विद इट्स डायमीटर डियर व्यूअर्स अगर आप कोई भी सर्कल ले लेते हैं एक सर्कल आपने लिया ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एक सर्कल आपने लिया जिसकी रेडियस है सेवन सेंटीमीटर एक सर्कल आपने लिया जिसकी रेडियस है इलेवन सेंटीमीटर कोई और सर्कल जिसकी रेडियस है ट्वेंटी सेंटीमीटर तो इन सभी सर्कल्स के लिए प्रैक्टिकली भी अगर आप लेंथ ऑफ द सर्कम्फ्रेंस मेज़र करते हैं वो आप विद द हेल्प ऑफ थ्रेड भी मेज़र कर सकते हैं थ्रेड को आपने एक पॉइंट पर रखा ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल और वहां से पूरा इस तरह से रोटेट करते हुए आप वापस उसी पॉइंट तक पहुंच जाते हैं उस थ्रेड की लेंथ को आप कट कर लेते हैं और कट करने के बाद आप मेजर करते हैं डायमीटर को, फिर आप सर्कम फ्रेंड्स को अगर डायमीटर से डिवाइड करते हैं फॉर वेरियस वेरियस एवरी टाइम रेशियो एज योर आंसर एंड दैटेंट कॉन्स्टेंट रेशियो हैं दैट द वैल्यू ऑफ पाएजी टू अपॉन सेवन द इन्वॉल्व फॉर दिस इज हियर ऑन द स्क्रीन और पाई की वैल्यू आप 3.14 भी बहुत से प्लेसेस पर यूज़ करते हैं आ, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी एक बार हम रिकॉल करेंगे दैट पाई इज इक्वल टू ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन अगर हम ये लिखते हैं तो आपके माइंड में इमीडिएट आता है कि पाई की जो वैल्यू है दैट इज़ रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स तो इमीडिएट हम सोच सकते हैं कि पाई इज़ रेशनल बट नो डियर व्यूअर्स पाई इज़ नॉट रेशनल ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन या फिर थ्री पॉइंट ही वैल्यूज पाए की अप्रॉक्सिमेट वैल्यूज है मतलब कभी भी खत्म नहीं होती और कभी भी रिपीटेशन नहीं आती थ्री पॉइंट वन फोर एंड ऑन सॉन सोन हमेशा जो वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होने की वजह से इरेशनल नंबर होता है पाए तो अगर कहीं भी आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दैट पाए इज रेशनल और इरेशनल आपने कंफ्यूज नहीं होना सिंस द वैल्यू ऑफ पाए इज यूज्ड एज 22 अपॉन 7 टू सॉल्व आर क्वेश्चंस बट दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाए बिल्कुल ना ये ना बात आपने जिसकर... बहुत ठीक कही मैम कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए पाए की वैल्यू के लिए जिस तरीके से आपने बताया और समझाया और इसी साथ जो क्लास टेंथ के स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पूरा यकीन है कि उनको अच्छे से अच्छी समझ में आ रही होगी और इन सारे फॉर्मूलाज को वो समझ भी रहे होंगे और पेन डाउन भी कर रहे होंगे एक बार फिर से बता दें कि क्लास टेंथ का हमारा ये सेशन चल रहा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल पार्ट वन और इसे आपको जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट बता रही हैं समझा रही हैं वो हैं सविता ग्राक मैम जो कि गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और पाई की वैल्यू पे मैम हम बात कर रहे थे प्लीज़ कंटिन्यू जी बिल्कुल तो पाई की वैल्यू होती है सरकम डिवाइडेड बाय डायमीटर और डायमीटर अभी हमने बिगनिंग में ही डिस्कस किया था ये बहुत इंटरेस्टिंग है शुजी. जी, uh, हमने डिस्कस किया था, था दैट डायमीटर इज इक्वल टू तो टू आर तो यहाँ से सरकम निक, निकालना कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है दैट इज इक्वल टू पाए मल्टीप्लाइड बाई डायमीटर पाए मल्टीप्लाइड बाई टू आर विच इज टू पाई आर सो दिस इज दमूला फॉर फाइंडिंग दर्कम्फ्रेंस

इन सेक्टर्स को इस तरह से अरेंज किया कि एक सेक्टर के लिए सेंटर पॉइंट हमने रखा है नीचे की साइड नंबर टू के लिए सेंटर ऊपर की साइड नंबर थ्री के लिए अगेन सेंटर पॉइंट यहाँ से जो हमने हमने कट किए थे ये सभी सेक्टर्स नीचे की तरफ देन इस तरह से अल्टरनेट ऑर्डर में रखते हुए हमने फिफ्टीन सेक्टर्स को अरेंज कर दिया और जो सिक्सटीन सेक्टर था उसे फिर से एट एन इक्वल एंगल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जिनमें से एक पार्ट को अरेंज कर दिया हमने इस साइड पर और दूसरे पार्ट को दूसरी साइड पर तो अब हमारे व्यूअर्स बहुत समझ सकते हैं कि ए बी सी डी जो है ये हुआ कि एक्चुअल में तो ये सर्कल था लेकिन हमने सर्कल को किस चीज में चेंज कर दिया एक रेक्टेंगल में चेंज कर दिया और रेक्टेंगल का एरिया हमारे व्यूअर्स पहले से जानते हैं दैट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इन Right. So, सिर्फ ये चेक करना रह जाता है कि, viewers, आपने अभी जाना दर्कमेंस ऑफ द सर्कल इज टू पाई आर और आपने इस टू पाय में से हाफ पोर्शन को रख दिया है अलोंग द लाइन सेगमेंट ए बी और बाकी का हाफ अलोंग द लाइन सेगमेंट सी डी यानी कि अगर हम बात करेंगे द लेंथ ऑफ डी सी या ए बी की दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द सर्कम्फ्रेंस जिसे आप पाईआर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं सो द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज हाफ ऑफ द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड द ब्रेथ ऑफ द सेम रेक्टेंगल दैट इज डेफिनेटली इक्वल्स टू द रेडियस विच इज आर

कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दो ऐसे सर्कल्स जिनकी रेडियस अलग अलग हो लेकिन सेंटर पॉइंट अगर मुझे निकालना है एरिया एनक्लोज बाय दीज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मीन दिस एरिया अगर आपको कैलकुलेट करना है सिंपली बड़े सर्कल के एरिया में से आप छोटे सर्कल के एरिया को क्या कर देंगे सब जिस वजह से देडेड द ब्लू शेडेड एरिया विल बी कैलकुलेटेड सो फाइनल पाई आर स्क्वायर यहाँ का भी यूज कर सकते हैं सो इट इज पाई इंटू आर स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस आइडेंटिटी विल बी अप्लाईड यू कैन री राइट द सेम फॉर्मूला एज पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर स्क्वास

टू हंड्रेड ट्वेंटी ठीक इसी तरह से टू पाई आर इज गिवन टू बी टू हंड्रेड एटी सिक्स ऑन सॉल्विंग बोथ ऑफ दीज यू विल बी एबल टू फाइंड द रेडिया सर्कल्स बिल्कुल आप मैम मानेंगे हम जल्दी से वाइंड अप करेंगे जल्दी से सुकावर अप करेंगे माफ कीजिएगा क्योंकि समय की कमी है जी बिल्कुल डेफिनेटली वी आर गोइंग टू समिट अप हियर ओनली जी डेफिनेटली पाई की वैल्यू जो है इशू जी वो हमारे व्यूअर्स यूज करेंगे 22 डिवाइडेड hmm. बाय 7 और एरिया ऑफ रेसिंग ट्रैक निकालना है फॉर्मूला अभी हमारे व्यूअर्स ने जाना है दैट इट इज पाई r r r r द कैलकुलेटेड वैल्यूज विल बी पुट हियर बाय आवर व्यूअर्स एंड देन दे विल बी देअर विदर आंसर दैट सॉल्व फॉर टूडे विल मेड इन आर नेक्स्ट सेशन टू कंटिन्यू द सेम टॉपिक बिल्कुल you. और इसी के साथ मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने टाइम निकाला और इतना वेल एक्सप्लेन किया uh, इस पूरे टॉपिक को थैंक यू सो मच मैम थैंक यू यशोर जी थैंक्स अ लॉर्ड एंड आई वुड लाइक कि हमारे व्यूअर्स हमसे प्रॉब्लम जरूर पूछें शेयर करें क्वेश्चन उनके और डेफिनेटली वी आर देयर फॉर द सोल्यूश ऑफ दर्ज श्यो मैम बिल्कुल मैम और इसी के साथ अभी के लिए हमारे इस सेशन में इतना ही आ, हमारे लगातार चैनल्स देखते रहिए फिर एक और नया कार्यक्रम एक नए सब्जेक्ट और नए क्लास के साथ अभी के लिए इतना ही नमस्कार